डैड 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 मुझे एक्शन कैमैन देखना है। पर नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी जाकर पढ़ाई करो। डैड मुझे एक्शन कैमैन देखना है। शिनचैन मैंने बोला ना? नहीं पर डैड ये बहुत ही मजेदार है। अरे नहीं बेटा, अभी पढ़ लो, 10 के बाद तो मजे ही मजे। तो भाई और तुम्हारे घर वालों ने तुमसे कभी ना कभी ये तो जरूर कहा होगा, बेटा अभी पढ़ाई कर लो, 10th के बाद तो मजे ही मजे। अब मजे वाली बात सुनकर तुम भी एक अच्छे बच्चे की तरह भविष्य के सपनों में खो जाते हो यार। अरे यार 10th के बाद तो मजे ही मजे, फिर तो हर्षिता को क्रेम रोल खिलाने लेके जाऊंगा। लेकिन 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 इस ब्रह्मांड के किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि अब उसके साथ रियल लाइफ केबीसी खेले जाने वाली है। तो बेटा कौन सा सब्जेक्ट लोगे? पापा मैं सोच रहा हूँ कि पता है शर्मा जी के बेटे ने साइंस ली है और तुम्हारी मम्मी का सपना है कि तुम्हें डॉक्टर बनता देखे। हाँ पापा उसके तो 90% है लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम भी साइंस लोगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जिन पर तुम्हारा उज्जवल भविष्य टिका होता है। इधर तुम्हारी बॉडी में प्यूबर्टी वाले हार्मोन उधम मचा रहे होते हैं और दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी सी दुनिया में उथल पुथल कतई भूकंप आने वाला होता है। अब अगर तुम तुम्हारे परिवार में सबसे बड़े बच्चे हो तो लाइफ के सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे साथ ही किए जाते हैं। तुम्हारी चड्डी से लेकर तुम्हारे बड़ी तक, नौकरी से लेकर मम्मी के पसंद की छोकरी तक, सब घर वाले चुनते हैं। और मजाल है अगर तुमने मना कर दिया तो पापा की बेल्ट और मम्मी की चप्पल इस वेलोसिटी से तुम्हारी तस्वीर पर पड़ती है जिसका इम्पैक्ट तुम्हें हद तक पता चलता है। और आखिरकार तुमने अपने शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में पत्थर रख के साइंस ले ली है। अब साइंस तुम्हारी लेगी। कक्षा 11वीं। 11वीं में 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। पहले वो जिन्होंने टीचर की चाट चाट के कतई गीली कर रखी होती है, दूसरे वो जो 11वीं में डमी करते हैं, ये अलग ही नशे में रहते हैं, और तीसरे वो होते हैं जहाँ से मैं आया हूँ, ये बैक बेंचर और टॉपर के बीच के गड्ढे में पाए जाते हैं। इनकी जिंदगी टाइट्रेशन और पिंक कलर से आगे ही नहीं बढ़ पाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन कब इनके लूज मोशन बन जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। और जब ये रेंगते रेंगते फेयरवेल तक पहुंच जाते हैं तब यहाँ भी किसी को सुखचैन नहीं है। कोई पल्लू पकड़ के रो रहा है, कोई मिठाई चेप रहा है, किसी को मिरिंडा से नशे हो रहे हैं। और लास्ट में जाके जब नज़र उस लड़की पे पड़ती है जो वैसे तो पूरे साल बाल में तेल के साथ चोटी बना के आती है लेकिन आज करता ही अप्सरा लग रही है। और तब मेरे भाई तुम्हें एहसास होता है कि ये वो मजे नहीं है जिनके तुमने ख्वाब देखे थे। बस अब आज के लिए इतना ही यार, मुझे भी अब नीट की कोचिंग के लिए जाना है। सो बाय बाय गाइस। मम्मी अच्छी बार मत आए, कोचिंग के लिए लेट हो रहा हूँ।